हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल का जो कॉन्सेप्ट है। आपकी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इसी पे बेस्ड है। आपको बताना है कि ये सेल हैप्लोइड होती हैं या डिप्लोइड। तो जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो हैप्लोइड या फिर डिप्लोइड। हैप्लोइड वो सेल होती हैं जिसमें एक वन सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है, और डिप्लोइड वो सेल होती हैं जिसमें टू सेट होते हैं क्रोमोजोम्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग की हर एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 46 जो क्रोमोजोम है वो 23 पेयर में होते हैं, 23 जोड़े, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 23 जोड़े। तो इस जोड़ों में से अगर एक एक क्रोमोजोम सेल में है तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 23, ठीक है। तो वो आपकी कैसी सेल कहलाएंगी, हैप्लोइड। और अगर दोनों जोड़े हैं यानी कि टोटल पूरे 46 क्रोमोजोम है एक सेल के अंदर, तो ऐसी सेल क्या कहलाती है, डिप्लोइड सेल। हैप्लोइड सेल को हम एन से लिखते हैं और इसको हम 2n से लिखते हैं, डिप्लोइड। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ह्यूमन बींग है उसकी सारी सेल ही डिप्लोइड होती हैं, केवल उसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो हैप्लोइड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी उसकी ज़्यादातर सेल डिप्लोइड ही होती हैं, केवल उसके जो गैमीट्स हैं, जैसे पोलन ग्रेन गैमीट होता है, मेल गैमीट, और जो एग या फिर जिसे हम ओव्यूम भी बोलते हैं, जो कि पिस्टिल के अंदर होता है, ये दोनों हैप्लोइड होते हैं, बाकी उसके ज़्यादातर टिश्यू डिप्लोइड होता है।